वेलकम बैक टू स्ट्रीमर्स। आज हमारे साथ एक हम इंटरव्यू का एपिसोड लेके आए हैं। हमारे साथ है लाखीराम जी, जो अपना इंट्रोडक्शन खुद देंगे। ये एक अनोखे व्यक्ति हैं जिनके ऊपर जोंक चढ़ती है पर खून नहीं चूस पाती, वो बेचारी खुद ही मर जाती है, क्या करें। अब आइए जानते हैं कि उसके पीछे का रहस्य क्या है, पर उसके पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। अपने बारे में बताइए। हम मैंने वो जो खून नहीं चूसता है वो पहले से हमारा मैंने क्या होता है ये जोंक कर लिया। हम बहुत करा तीता खाता है, वो तीता खा लिए तो हम तो खेत में भी जाना पड़ता है, इसलिए हम वो जो तीता ठोस ज़्यादा खाता है, हम खाली पेट में खाता है। और मैंने क्या होता है वो तो हमारा जो ड्यूटी है और ड्यूटी से हम ठंडे में रहता है, वो खाली पेट में हम तीता तो खाने पड़ता है। उसके बाद में 2-3 घंटा के बाद में हम कुछ खाना खाता है, बचा पीता है। क्या बोलेगा। तो ये आपने सुनी कि कैसे जोंक के पीछे मतलब चढ़ती है और वो साथ के साथ मर जाती है, का पीछे का रहस्य। अब जानते हैं कि ये आखिर करते क्या हैं और इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो अपने बारे में बताइए कुछ। हमारे बारे में आप क्या बताइए, आप क्या करते हो? नहीं, हम तो यहाँ 2006 से आया है। 2006 से अभी इधर 22 साल हो गया हमारा यहाँ काम करते हुए। हम ऐसे काम तो क्या करता है, अनर के काम करता है, सुपर के काम करता है, और उन क्या है काम करके और चला जाता है, फिर खेत में भी काम करने पड़ता है, वो इसलिए और पुठू हमारा ना ओटू तो हमारे पास में भी मच्छर भी आता नहीं, वे सांप होता है, सांप भी हमारा से खून तो तीता है नहीं क्या, ओटू खून तीता के लिए सांप भी हमको देखने से भागता है। अब हम जानते हैं एक और कहानी। इन्होंने हमारे घर के अंदर एक सांप आया था, उसको भगाया था, मम्मी के साथ मिल गए, तो उसकी कहानी सुनते हैं। नहीं ऑटो तो हम सांप भी हो, हमारा ब्लड टू ऐसे ही तीता ही है, वो सांप देखने से भी वो अलग साइट हो जाता है वो। इसका मतलब देखिए सांप भी इनसे डरने लग गए हैं। तो अब आप बताइए हमें कि ये जो तीता शब्द है वो कड़वा होता है, तो वो आपका उसके बारे में बताइए कि वो होता कैसा है देखने में। वो तो पति के जैसा ही होता है, उठो मैंने वो बोल करके उसको ठंडा से खाने पड़ता है, उठो और उसको गरम गरम होने से उठो खाने नहीं सकता है, वो बहुत कड़वा चीज़ है, वो तो नीम से भी ज़्यादा कड़वा है। तो आप देख सकते हैं कड़वी चीज़ खाइए और अपना सेहत बना के रखिए, कोविड भी नहीं होगा फिर। और कोई भी जो खाने से भी वो हमारे से उठता है फिर वो अपने से गिर जाता है। तो अभी आपने सुना लाखीराम जी से, उन्हीं के मुंह जवानी से, कि कैसे जोंक सांप और मच्छर और सारे कीड़े कैसे उनसे दूर भागते हैं। इसी के साथ ये व्लॉग यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।